हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च का अचार। जिन लोगों को तीखा खाना अच्छा लगता है उनको ये अचार बहुत पसंद आता है। तो आइए देखिए मिर्च के अचार के लिए हमने क्या सामान लिया है। 150 ग्राम हमने हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच हमने हल्दी का लिया है और 1 बड़ा चम्मच हमने नमक का लिया है, 2 चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है, 1 चम्मच हमने सूखी मेथी ली है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है और 2 चम्मच हमने राई ली है, 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है। इन सारे मसालों को हमने 2 घंटे की धूप दिखाकर हल्का दरदरा पीस लिया है। तो अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मिर्च का हम डंडल निकाल देंगे और ये एक बीच में से हम कट लगा लेते हैं। इस कट को हम इस तरीके से खोल लेंगे, इसमें हमें मसाला भरना है। ऐसे ही हम अगली मिर्च लेंगे, इसका डंडल निकालेंगे और इसको हम बीच में से कट लगाएंगे। इस तरीके से हम सारे मिर्चों का कट तरीके से हमने सारी मिर्चों में डंडल उतार कर कट लगा लिया है। मसाला भरने के लिए हमारी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। बस हमें इतना ही ख्याल रखना होता है, मिर्चें जो हमें लेनी होती हैं वो पकी हुई लेनी होती हैं और बारीक नहीं लेनी होती। इसके लिए थोड़ी मोटी मिर्च चाहिए होती है। पकी हुई जो होती है उनमें थोड़ी सी मिर्चों में शाइनिंग आ जाती है, उससे पता चलता है कि ये मिर्चें पकी हुई हैं। तो मसाला भरना शुरू करते हैं। ये हमारे पास तेल है, तेल में हम मसाले मिलाएंगे, सौंफ पाउडर, राई, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये मेथी। इन सबको हमने दरदरा पीसा हुआ है और ये नमक और ये हल्दी। इन सब चीजों को हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला हमने मिला लिया है। ये अब हम एक मिर्च उठाएंगे, इसको अच्छे से खोलेंगे और जो हमारे पास तैयार मसाला है वो हम इसको अच्छे से इस तरीके से इसके बीच में भर देंगे, एक कोने से शुरू कर दूसरे कोने तक। ये इस तरीके से हम इसको भर कर तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरे उठाएंगे, इसमें हमने मसाला डाला और इस मसाला को हम हाथ से शुरू से लेकर आखिर तक हम पूरा भर देंगे। इस तरीके से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। इस तरीके से हमने सारी मिर्चों को भरकर तैयार कर लिया है। ये अचार हमारा तैयार है, हरी मिर्च का अचार हमारा तैयार है। अब हम इसको प्लास्टिक के या कांच के किसी भी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। बस इतना ही ख्याल रखना है कि कंटेनर में नमी नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके से वो गीला नहीं होना चाहिए। कंटेनर को 2-3 घंटे धूप में रखकर, साफ कर धूप में रखकर सुखा कर फिर डालें, या फिर अगर सुखाने का और तरीका है तो उसको माइक्रोवेव में भी हम सुखा सकते हैं। तो अचार हमारा तैयार है, अब आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ।